हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम तारीख में थोड़ा पीछे चलेंगे और बात करेंगे कुछ महलात की, कभी शहजादे और शहजादियों की इन आराम गाहों के मुतालिक। आज ऐसी कहानियां मशहूर हैं जो लोगों को खौफ में मुब्तला कर देती हैं। कैसल फ्रेजर स्कॉटलैंड में मौजूद ये महल एक अजीब कहानी की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि 800 साल पहले यहाँ एक शहजादी रहती थी जिसको सोते हुए कत्ल कर दिया गया। फिर इसकी लाश को इस महल की सीढ़ियों से नीचे लाकर पीछे जंगल में दफना दिया गया था। इसकी लाश को लाते हुए इसका खून इस महल की सीढ़ियों पर लग गया जो पत्थर की थीं। कहते हैं कि बाद में इस खून को मिटाने की बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन ये खून मिट नहीं सका और आज भी इसके निशान कैसल फ्रेजर की सीढ़ियों पर मौजूद हैं। ये कहा जाता है कि इस सुनसान महल से रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं जिनको महल के कोने कोने से सुना जाता है। वहां के लोकल लोग इस महल में जाने से गुरेज करते हैं। लीप कैसल को आयरलैंड की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक कहा जाता है। इस वीरान महल की तारीख इंतहाई खौफनाक है। यहां एक कमरा होता था जिसमें 8 फीट ऊंचे नोकीले कांटे बनाए गए थे। इस कमरे में इन कांटों के ऊपर कैदियों को फेंका जाता था। यहां पर जाने वाले लोगों को एक अजीब सी चीज नजर आती है। लोग कहते हैं कि इस चीज का चेहरा एक इंसान जैसा है, लेकिन इसकी बॉडी किसी भेड़ की तरह लगती है। इस चीज की आंखें बिल्कुल काली होती हैं। कई लोगों ने इसको देखने का दावा किया है। लोग ये भी कहते हैं कि ये चीज लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी है। लीप कैसल में बड़े बड़े घोस्ट हंटर्स पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए इस कैसल में जाना एक इंतहाई खौफनाक एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नंबर मूसम कैसल का है। यह यूरोपियन मुल्क ऑस्ट्रिया में मौजूद है। कहते हैं कि इसको तकरीबन 900 साल पहले तामीर किया गया। इसकी तारीख इंतहाई अजीब है। कई सौ साल पहले ऑस्ट्रिया में हजारों औरतों पर विचक्राफ्ट का इल्जाम लगाया गया, यानी कि ये औरतें काला जादू करती थीं। ऐसे लोगों को उस दौर में मौत की सजा सुना दी जाती थी। इनमें से कई सौ औरतों को इसी कैसल में लाकर कत्ल कर दिया गया था। मूसम कैसल में वैसे तो अब लोग जाने से डरते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि यहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं जो कि साफ तौर पर सुनाई देती हैं। मूसम कैसल को खूनी किला भी कहा जाता है। डेनमार्क में मौजूद ड्रैगजॉम कैसल अब एक होटल बन चुका है। 12वीं सदी में बनने वाले इस महल में कभी डेनमार्क का शाही खानदान रहता था। आज इस होटल में जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। इस महल की तारीख भी खूनी है। कहते हैं कि यहां एक शहजादी को इसके बाप ने एक कमरे में कैद कर दिया था, क्योंकि यह शहजादी किसी आम इंसान से शादी करना चाहती थी। इस शहजादी को फिर इस कमरे से कभी नहीं निकाला गया और कई सौ साल के बाद इस कमरे से इसका ढांचा बरामद हुआ। यहां रुकने वाले मेहमान दो औरतों को देखने का दावा करते हैं, द ग्रे लेडी और द वाइट लेडी, क्योंकि एक औरत ने ग्रे रंग के कपड़े पहने होते हैं और एक ने वाइट। लोग दावा करते हैं कि ये औरतें इस महल की राहदारियों में चलती हुई दिखाई देती हैं, इसीलिए यहां रुकना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ब्रान कैसल यूरोप में रोमानिया में मौजूद है। पहाड़ों से घिरी हुई ये जगह कभी ये खूबसूरत महल होता था, लेकिन इसकी तारीख बहुत डिस्टर्बिंग है। कहते हैं कि ब्रान कैसल में व्लैड ड्रैकुला रहता था। व्लैड रोमानिया का बादशाह था। इसके बारे में मशहूर था कि इस आदमी को खून पीने का जुनून था। यह भी कहा जाता है कि व्लैड को सोचकर ही मशहूर किरदार ड्रैकुला को बनाया गया था और व्लैड ही असल में ड्रैकुला था। बहरहाल, हिस्टोरियंस में इस बात पर इख्तलाफ है कि व्लैड इसी महल में रहता था कि नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि यही वो महल था जहां व्लैड ने हजारों लोगों को कत्ल किया था और उनका खून पिया था। ब्रान कैसल को दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक कहा जाता है। शायद इस महल की तारीख और जिस जगह ये मौजूद है उसको जहन में रखकर इसके बारे में किससे कहानियां मशहूर हो गई हैं। इसको लोग आज भी विजिट करते हैं। और आखिर में रोमानिया में ही मौजूद एक और महल की बात करते हैं। इस जगह का नाम एओलिया हैज्यू कैसल है। इस महल को किसी बादशाह ने तामीर नहीं किया था, बल्कि एक मशहूर राइटर बोडगान हैज्यू ने बनाया था।
इस महल पर 1893 में काम शुरू हुआ, यानी ये इतनी पुरानी बात नहीं है। कहते हैं कि बोडगान की एक 19 साल बेटी थी जिसकी डेथ हो गई। बोडगान अपनी बेटी की मौत पर अपने होश खो बैठा। इसने सब काम छोड़कर अपनी कोशिशें शुरू कर दी कि ये किसी तरह अपनी बेटी की रूह से बात कर सके। इस आदमी ने इस महल में चिल्ले काटना शुरू कर दिए। काले जादू से लेकर इसने हर वो काम किए जिससे ये अपनी मरी हुई बेटी से फिर से बात कर सके। इस महल में लोगों को पियानो बजने की आवाजें साफ तौर पर सुनाई देती हैं। लोग यहाँ एक औरत को देखने का भी दावा करते हैं। ये जगह काफी स्पूकी है दोस्तों। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे महल वाकई में हॉन्टेड हों और यहाँ जिन्नात बसते हों। कई दफा ऐसी जगहों की डार्क तारीख को देखकर किससे कहानियां मशहूर हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल यहां जाने से लोग घबराते जरूर हैं। दोस्तों अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्तन मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।